नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जसवीर सिंह जी जस्सा, इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। आज हम उनसे जानेंगे किसान आंदोलन से इनेलो की दूरी या नज़दीकियाँ क्या हैं वास्तविकता। जसवीर सिंह जी, आपका पल पल में स्वागत है। इनेलो जो किसानों का दम भरती है, लेकिन देखा ऐसा गया है आपके गृह ज़िले में 2 अक्टूबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनेलो के कार्यकर्ता, इनेलो के नेता उस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि 2 अक्टूबर को इनेलो के सुप्रीम नेता अभय सिंह चौटाला ने एक ज्ञापन अवश्य उपायुक्त को सौंपा था। क्या वो केवल फॉर्मेलिटी थी या क्या मजबूरी है इस आंदोलन से दूरी की? भाटिया जी, जहाँ तक आंदोलन की बात आपने कही है, ये आज की बात नहीं। जब से हरियाणा अलग हुआ है, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। चाहे कोई वो प्रदेश के अंदर सत्ता में थे, चाहे वो केंद्र के अंदर भी कृषि मंत्री बने, डिप्टी पीएम भी बने वो, तो एक समय तो ऐसा आ गया था कि जब किसान की बात आई तो उप प्रधानमंत्री पद से उन्होंने ठोकर मार दी थी। और उससे पहले की बात करें, जब 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, उस टाइम देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय देसाई जी थे, तो उस टाइम भी उन्होंने जब किसान की बात चली तो चौधरी देवीलाल को कहा कि आप किसानों की ज़्यादा मतलबी पैरवाई कर रहे हो। तो चौधरी देवीलाल का जवाब था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ। तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। जस्सा जी, चौधरी देवीलाल जी ने किसानों की आवाज़ उठाई, वो किसानों के मसीहा कहलाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी कमाई पे कब तक इनेलो काम राजनीति करती रहेगी? अब सामने दिखाई दे रहा है, 2 अक्टूबर को अभय सिंह जी अलग अपना ज्ञापन देकर चले गए और वो शायद बड़ौदा में उपचुनाव में व्यस्त हैं। नहीं, आपका कोई भी नेता, मुझे कम से कम, मैंने कई बार किसान आंदोलन के ये धरनों को देखा है जो लगभग 4 तारीख से धरने भी परमानेंट धरना दे रहे हैं, और लेकिन आपके लोग कहाँ हैं? मैं बीच में टोक रहा हूँ आपकी बात। पार्टी हाँ जी, सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के देश अनुसार हाँ जी, अकेले सिरसा की बात कर रहे हो आप। हाँ जी, 22 के 22 जिलों में ही पार्टी ने प्रदर्शन किया है और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मेमोरेंडम दिया है सरकार को। और उसी कड़ी में 2 तारीख नहीं, 6 तारीख को, हमने अक्टूबर को, पिछली जो गई है हाँ, 6 अक्टूबर को शेड के लिए। यहाँ हाँ जिस जी, दिन आंदोलन था और लोगों ने यहाँ तक कहा भी, जो किसानों का आंदोलन था उसमें आपके नेताओं को आने से इनकार कर दिया, इसलिए आप लोगों ने अलग से दे दिया। नहीं, शेड के नीचे हमने जलसा किया और बाज़ारों में होते हुए हमने डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया, जो सुरखाव टूरिज्म के अंदर सिरसा के डी साहब आ गए थे। और जहाँ तक आप कह रहे हो भी आपके नेता और आपके कार्यकर्ता प्रदर्शनों से दूरी बनाए हुए हैं, कि कौन कहता है सिरसा जिला के अंदर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कल भी जब ये लोकल जो एमपी हैं उनकी जो कोठी का घेराव हुआ था, कितने कार्यकर्ता थे लोकदल में उसमें शामिल, नहीं आपको देखो, पता होगा इस ऐसा बात का। है, ऐसा है, मुझे तो लोकदल की कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है, लेकिन अगर लोकदल के कार्यकर्ता थे, सिरसा में इस समय 2 स्थानों पे आंदोलन चल रहा है। एक शहीद भगत सिंह स्टेडियम में, शायद वहाँ कुछ सैकड़ों लोग, 200-300 लोग अक्सर होते हैं, कभी कभार कोई बड़ा नेता आता है तो कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, और दूसरे में इससे भी कम लोग हैं। तो क्या लोकदल का इतना ही आधार बचा है? अभी कुछ एक स्थान पे कुछ दर्जनों लोग हैं और एक स्थान पे कुछ सैकड़ों लोग हैं, तो आप किस धरने का नहीं, समर्थन कर जो रहे हैं? धरना रेगुलर रेगुलर जो धरना होता है ना भाटिया जी, उसके अंदर संख्या बढ़ती रहती है, कभी कम हो जाती है। जो रेगुलर धरने हैं, जैसे
जो दो दो तीन तीन महीने चलते हैं लगातार, तो हम जो एक दिन का प्रोग्राम है प्रदर्शन है उसमें तो आपने भीड़ देखी होगी कांग्रेस की, कहीं जो उसको अपने हिसाब से रैली कहते हैं, हम उतना एक जिले का प्रदर्शन करते हैं तो फिर भी उसकी डेली होता है हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं आप, तो रेगुलर धरने हैं उसमें संख्या, सीजन है अब सिरसा के कॉटन पिकिंग का सीजन है, अब फार्मर उसमें भी व्यस्त हैं और जैसे जैसे फ्री होते हैं वो हाजिरी लगाते हैं। सिरसा के दो धरनों में आपको किसका समर्थन है? समर्थन की बात नहीं, हम किसान की बात करते हैं। अगर किसानों की 17 यूनियन है हरियाणा के अंदर, अगर सरकार उसको तोड़ने का या बिखेरने का काम करती है तो सरकारों का तो जो काम होता है, लेकिन किसान तो हमारे लिए सब एक हैं। किसान की आवाज़ हमेशा चौधरी देवीलाल ने बुलंद की है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसी रीत पे चलते हुए तो किया, अभय सिंह चौटाला जी। अब किसान की अगर विधानसभा के अंदर भी बात थी तो एकमात्र 90 में से चौधरी अभय सिंह चौटाला था जिसने किसान की बात करी। और जहाँ तक भाजपा की बात है, किसान की बात तो करते हैं जी, किसानों के लिए क्या किया है, MSP की बात है, जो MSP दे तो दी इन्होंने, मक्के की बात है, गेहूं की बात है, मक्का 1880 रुपये है लेकिन बिक तो 800 रुपये रहा है ना जी, और ये जो पैडी है वो परमल जिसको कहते हो 1850 रुपये है, 1400 रुपये बिक रहा है जी वो। नहीं मतलब MSP कागजों में भाटिया जी। अच्छा आपका ये कहना है जो मिनिमम सोर्स प्राइस है वो कागजों में है उस पर नहीं बिक रहा? नहीं बिक रहा। लेकिन देखो मैंने ये देखा है 1925 रुपए MSP थी गेहूं की और गेहूं बिका। मैं बताता हूँ ना, जानकारी नहीं है भाटिया जी आपको। हाँ जी 24 फसलें हैं हमारी जो MSP हिंदुस्तान हमारी भारत सरकार ने जो निर्धारित करी है 24 क्रॉप्स, और उसमें से मात्र 2 या 3 की ही MSP मिलती है, 22-23 की तो वंचित रहते हैं। चलो अंत में बाजरे की कहाँ मिल रही है? नहीं बाजरे में मुख्यमंत्री का ये दावा है बाजरा, आप सिर्फ किसानों के दबाव से, किसानों के दबाव के कारण ये नरमे की MSP बिक रही है, तो नरमे की कहाँ बिकती थी? जब व्यापारियों के पास नरमा रह जाता था फिर MSP देते थे जी, जब जिमीदार के हाथ से फसल निकल जाती थी। ऐसा जैसा जी, अगर नरमे पे एक दबाव है किसानों का या लोकदल का दबाव है तो वो मक्की पे क्यों नहीं है? मक्की पे जो तो सरकार ने निर्धारित करे, तो इसका मतलब सरकार मनमानी कर रही है। बिल्कुल मनमानी कर रही है, किसी को MSP पे खरीद रही है, किसी को नहीं, किसी को नहीं दे रही। एक बात और बताता हूँ मैं। हाँ जी, कॉटन की भी हमारे सिरसा के अंदर 10,000 जो उसको गांठ बोलते हैं वो ही खरीदेंगे, हो सकता है कॉटन उससे 10 गुना ज़्यादा हो, वो वंचित रह जाएंगे। हिंदुस्तान की अगर बात करें टोटल आंकड़ों की, 94% ही 6% ही मात्र मतलब MSP किसानों को मिलती है, 94 जो है ना किसान वो इससे वंचित रह जाते हैं, मार्केट में दुकानदारों को प्राइवेट पे। अच्छा चलो अब हम मूल पे आते हैं और लास्ट एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। आप लोगों का किसान, ये जो किसान बिल आए हैं, मोदी सरकार का ये कहना है हम किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे जहाँ फ्रूट होता है वहाँ फ्रूट के उद्योग लगें और कुछ कोल्ड स्टोरेज बने ताकि वो ज़्यादा समय तक जब समय आए महंगाई। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, उसका विरोध कहाँ है? मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, क्या कहना चाहते हो भाटिया जी आप? लंबे समय से संघर्ष रहा है किसानों का, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू करो, और जो आज सत्ता के अंदर है प्रदेश हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर जो भाजपा है, इन्होंने भी नग्न प्रदर्शन करे थे और स्वामीनाथन वो कहते हमने लागू कर दिया, नहीं स्वामीनाथन कमीशन की वो रिपोर्ट लागू हो, लेकिन सत्ता में आते ही जे भूल गए लोग। और जहाँ तक आप ऑर्डिनेंस की बात करते हो, तीनों ऑर्डिनेंस जो लेके आए, बिल लेके आए, जो किसान कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, और इन्होंने जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जी, हालांकि जो दबनी मत से पास हुए राज्यसभा के अंदर, वोटिंग तो हुई नहीं, डेमोक्रेसी की तो वैसे विपक्ष बाईकाट करके बैठा है। दूसरी बात, उसको बुला के लाए, दूसरा क्यों बाईकाट किया जी, कौन कह रहा है बाईकाट किया? हाउस के अंदर थे, हाउस के अंदर थे, राज्यसभा की बात कह रहा हूँ मैं, राज्यसभा। दूसरी बात, जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो तो एक जबरदस्ती है भी, मैं आपको कहूँ भाटिया जी आइसक्रीम खाओ और जो ठीक रहेगी, आप कहोगे जी मेरा तो गला खराब हो जाएगा, मैं तो खानी नहीं, मैं कहूँ नहीं नहीं खाओ, ये तो थोप रहे हैं किसानों के ऊपर जो ऑर्डिनेंस है तीनों, धक्के से
किसान नहीं चाह रहा अभी हमें बिल चाहिए जी, कहने लगे नहीं नहीं इसमें आपको फायदा ऐसा होगा। है देखो, सत्ता चलाने के लिए अब किसान बिल अगर लेके आएगी तो सरकार ही लेके आएगा, किसान थोड़े लेके आएंगे, विरोध किसान में थोड़ी लेके आएगा उसमें, हाँ नहीं विरोध होता है, कॉरपोरेट विरोध लोगों तो के लिए, कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए तो बेनिफिट के देखो बिल लेके आते जैसा हैं, जी लोग किसान तो क्या गला घोटने की बात लोग करी है बात उन्होंने। सुनो, आप भी एक संजीदा मतलब जो है नागरिक हो, आपको भी पता है लोग तो हेलमेट का विरोध करते हैं, जबकि सरकार जो अगर फोर्स करती है तो उसकी सुरक्षा के लिए करती है, बेल्ट भी करती है। किसान को अब ये विरोध में लग रहा है, हो सकता है किसान को इसका लाभ हो, मतलब हो सकता है, कैसे लाभ है नहीं चलो उनको, सरकार को क्या दिक्कत है भी, अगर 1975 रुपये गेहूं की MSP है आज, हाँ 1925 थी, 50 और 50 बढ़ा और दी, बढ़ा दी, हाँ मेरी बात सुनो, अगर उनकी शॉर्टी दे दें भी 1975 से काम नहीं बिकेगी, ज़्यादा बिक जाएगी तो आपकी किस्मत की बात है। जहाँ तक MSP की बात है, गेहूं की हर साल 5 से 7%, 8%, 10% तक बढ़ती थी, इस बार रिकॉर्ड की बात है जब से देश आजाद हुआ है कि 2% बढ़ी है, 2.25%, 50 रुपये बढ़ाई है। देवगौड़ा जी थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले प्रधानमंत्री, 100 रुपये इकट्ठी बढ़ाई थी उन्होंने, लोग याद करते नहीं कई हैं, बार 10 रुपए चौधरी भी देवीलाल थे, ऐसा चरण है। सिंह जी थे, उन लोगों को याद करते हैं, और इन जो आज जो व्यवस्था है आज की, इनको भी दूसरे हिसाब से लोग याद करेंगे जो किसानों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। नहीं ठीक बात है। हम अंत में केवल एक सवाल आपसे, किसानों के आंदोलन में आप समर्थन कर रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे, आज उसका का नहीं क्या कर करें? रहे हम, हाँ जी हमारे पे तो ठप्पा है भी, और हम किसान का हमेशा आवाज़ बुलंद करी है तो करेंगे भी, तो जे आप क्वेश्चन ही आपका गलत है भी, आप करते हो या नहीं करते, ठीक है जी, हम किसान का, कि मेरे वर्ग का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, हमेशा मतलब आवाज़ बुलंद करने का काम तो करेंगे। दोस्तों ये थे जसवीर सिंह जस्सा जी। वो चाहे किसान के आंदोलन हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, सिरसा में दो धरनों पे इनके कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी वो किसान का समर्थन कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि किसान के नाम पे ही इनेलो राजनीति करती है। वो बात उन्होंने जो अपनी बात रखी MSP की और किसानों के साथ, आज भी इनेलो उनका दावा है खड़े हैं। तो धन्यवाद जसवीर सिंह जी, आपका धन्यवाद।